एक दिन एक भिखारी सड़क पर टहल रहा था। अचानक से उसे बहुत भूख लगी। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक विशाल द्वार वाला एक घर दिखाई दिया। उसे ये सोचकर बहुत खुशी हो रही थी कि धनी व्यक्ति के घर वो आज कुछ मजेदार खा सकेगा। वही सोचते सोचते वो घर के दरबान से कहता है, मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को मिलेगा भैया? दरबान ने कहा, ठीक है, तुम बाहर बैठो, मैं मेम साहब से पूछ कर आता हूँ। भिखारी बोला, ठीक है भैया। दरबान अंदर गया तो भिखारी ने देखा कि एक बड़े सुंदर पिंजरे के अंदर एक बहुत ही सुंदर कुत्ता था। उसके सामने एक थाली है जिसमें ढेर सारा मांस है। उसे देखकर वो और भी खुश हुआ। भिखारी ने मन ही मन सोचा, अगर अपने कुत्ते को इतना मांस दिया है, मुझे भी ढेर सारा अच्छा खाना मिलेगा। इस बीच जब दरबान गृहिणी के पास गया और उसे भिखारी को भोजन देने के लिए कहा, तो गृहिणी उस पर गुस्सा हो गई और बोली, क्या भोजन आसमान से आता है कि जो मांगे उसे ही दे देंगे? तुम्हारा काम गेट पर खड़े होना है, तुम यहाँ क्यों हो? और अगर इस तरीके से काम करना है तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी। थोड़ा खाना मांगने आया और बहुत कुछ सुना। दरबान को बहुत दुख हुआ इतना सब कुछ सुनकर। ये सोचकर और भी दुख हुआ कि भिखारी भूखा था, जाकर उसे कैसे बता सकता था कि इतना बड़ा घर उनके पास है, फिर भी एक आदमी को खिलाने के लिए भोजन नहीं है। सोचते सोचते वो भिखारी के पास आ गया और उसने कहा, भाई वो धनी लोग हैं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम खाना खाते हैं, इसलिए कम खाना बनाते हैं, इसलिए आपको देने के लिए भोजन नहीं है। इतना कहकर उसने जेब से 5 रुपए निकाले और कहा कि मेरे पास इतने ही पैसे हैं, तुम कुछ खाना खरीद कर खा लो। भिखारी का मन छोटा हो गया। उसने दरबार के पैसे को हाथ में लिया और प्रार्थना की, हे भगवान, जिसने मेरी भूख मिटाने के लिए अपना जो भी था मुझे दे दिया, तुम उसे दुनिया में और परलोक में भी अमीर बना दो। इसके साथ ही वो वहां से चला गया। कुछ दिन दरबान की लॉटरी में उसका पहला नंबर आया। उसने उन पैसों से व्यापार किया। कुछ ही दिनों में उसने बहुत पैसा कमाया। उस पैसे से उन्होंने एक आश्रम बनाया जहां असहाय अनाथ बुजुर्ग लोग रहते थे। इस बीच इस घर में वो काम करता था, उस घर की स्वामी की अचानक मृत्यु हो गई। लड़की लड़कियां सभी अपने परिवार में व्यस्त हैं। घर की गृहिणी सबके लिए बोझ बन गई। सब मिलकर उसे दरबान के आश्रम में छोड़ आए। जब वो आई तो उन्होंने देखा कि उनके घर का एक समय का दरबान इस आश्रम का मालिक है। भाग्य की कैसी क्रूर विडंबना है, उस दिन का भिखारी भी है आश्रम में। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी असहाय भूखे को वापस मत भेज देना। कितना समय, कितना खाना हम कूड़े दान में फेंक देते हैं, लेकिन थोड़े खाने के लिए कितने लोग सड़कों पर घूम रहे हैं। आपकी थोड़ी सी सहानुभूति किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। आपके पास जो कुछ भी है उसी से मदद के लिए हाथ बढ़ाएं, क्योंकि किसकी नीयत कहाँ है कोई नहीं जानता।